हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी होली। और आज है होली पूजने वाली और हम लोग सुबह सुबह तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हो कि मैं नहा धो के बस अब थोड़ा सा मेरे को मेकअप करना है और मेरी तबीयत काफ़ी बेटर है। अभी मेरे को काफ़ी ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी बीच में और मेरे अभी भी फेस में स्वेलिंग वगैरह है। और तो आज है होली, तो आज जलाने वाली होली है, जो पूजते हैं तो वो होली है। तो हम लोग चलते हैं, फटाफट से तैयार होते हैं और मुझे पूजा की तैयारी करनी है। बच्चे सो रहे हैं, इंदर नहाने गए हैं और मेरी आवाज़ में भी काफ़ी चेंज है। और देखते हैं, फटाफट मैं तैयार होती हूँ। काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में, मतलब, और मैं कल पूरी रात सोई नहीं हूँ क्योंकि मैंने आज का व्लॉग जो 17 तारीख का, वो जो मेरा पेंडिंग चल रहा था नर्सरी वाला व्लॉग, तो मैंने अब आज डाला है 17 तारीख को, जो जिस दिन होली पूजने वाली है तो उस दिन डाला है। तो मेरे को पूरी रात उसके लिए एडिटिंग करनी पड़ी और ऊपर से सुबह उठ के, अगर मैं सुबह 4:30 बजे करीब सोई हूँ और उसके बाद जब देखा मैंने सुबह उठ के कि वो डला ही नहीं, वो पेंडिंग में ही रह गया। पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी, वो जो है वो मतलब अपलोड करने पे लगाया था, 8 बजे का शेड्यूल डाला था, सब कुछ करा था सर, और पता चल रहा है वो 8:18 का है, तो वो डिले हो गया। फिर मैंने दोबारा डाला, अभी भी वो पेंडिंग में ही चल रहा है। पता नहीं क्या है, उसको मैं आके दोबारा से देखूँगी आराम से। अभी फ़िलहाल मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ क्योंकि इंदर अगर एक बार तैयार हो गए तो वो गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि उन्हें जाना है नर्सरी। होली वैसे पसंद नहीं है, मतलब हल्का फुल्का लगाना बहुत अच्छा लगता है, बट वो जो बहुत ज़्यादा वो वाली होती है ना, जो मतलब ज़बरदस्ती का रंग लगाना या वैसे, वो मुझे बहुत कम पसंद है क्योंकि मैं बचपन से ही, मुझे होली बहुत कम पसंद है। बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत कलर वगैरह लगा लेती हूँ, अदरवाइज मुझे थोड़ा सा होली से मैं दूरी रहती हूँ। दिवाली पे भी मेरे को दूरी रहना पसंद है, इंजॉय करना बहुत पसंद है, लेकिन अगर हम बच्चों के लिए आज अगर इंदर जल्दी आ जाते हैं तो मैं उसके उन बच्चों के लिए भी पिचकारी और कलर वगैरह लेके आऊँगी। पिचकारियाँ रखी है बट आरोहन को चाहिए क्योंकि वो जो पुरानी है वो सारी ख़राब हो चुकी हैं, तो फिर बच्चे एक दूसरे को देख के मांगते हैं। तो सारवी भी इस बार एक्साइटेड है, तो देखते हैं कि जा पाते हैं नहीं जा पाते। जैसे ही हम निकल रहे थे तो बच्चे भी तैयार, मतलब उठ गए हैं और बस मेरी पूजा की तैयारी हो चुकी है, अब चलते हैं। तो आज के दिन जो है हमारे लिए पूड़े पूजते हैं, मैंने पूड़े भी बना लिए, पूड़े बना लिए, आटा ले लिया, हल्दी, चावल, तिलक के लिए यह है क्योंकि हमारे में जलाती नहीं है, तो मैं इसका दिया वहीं से खरीद के और उसमें लगा लूँगी, पत्ती रख दूँगी। सुबह सुबह तैयारी। सो हम लोग मंदिर जाने के लिए निकल चुके हैं। सारवी देखो उठने के सीधा ऐसे ही उठी है, बस मुँह तो धो लेते हैं। पकौड़े बनाए मम्मा ने, मम्मा ने पकौड़े बनाए, मीठे वाले पकौड़े। तो हमारी पूजा तो हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और सार भी देखो अभी से होली मना रहे हो, क्या ये पिचकारी है, पिचकारी। और हमारी पूजा अच्छे से हो गई है, अब फटाफट मैं करती हूँ कुछ क्योंकि आज मैंने ब्रेकफास्ट भी इनका नहीं बनाया। और अब मैं अपने लिए थोड़ा सा, मैंने जो मेरा डेली का रूटीन है वो भी फॉलो करना है, ज़रूरी है क्योंकि मिस नहीं करना चाहिए। तो मेरा मेथी का पानी, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, इसमें मैं
इसको रात में थोड़े से पानी में भिगोती हूँ और सुबह इतना पानी रात में होता है, फिर सुबह उसको मिक्स कर लेती हूँ गर्म पानी से, क्योंकि गर्म पानी में पीना ज़रूरी है। अब हो गई है रात और रात को मैं बनाने जा रही हूँ हनुमान जी की कढ़ाई चढ़ती हमारे पास हमारे आज के दिन, तो वो मैं चढ़ाने जा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये मैं थोड़ा सा घी ले लेती हूँ, क्योंकि हनुमान जी का जो है वो घी में ही बनता है, तो हमें थोड़ा सा ही बनाना है क्योंकि मैं और इंदर नहीं खाएंगे, लेकिन मतलब भूख के लिए तो मुझे बनाना ही पड़ेगा, बच्चे खाएंगे बट भोग है तो हमें चाहे हम एक बाइट ले मतलब हलवे की, तो हलवा पूरी भूजता है आज के दिन तो। और मुझे ये भी बताइए आप लोगों में किसके घर में ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैंने अब पहले अपने गांव चले जाते थे तो, लेकिन अब किसी बार इतना टाइम नहीं है कि हम घर जाएं मम्मी पापा के पास उनके साथ सेलिब्रेट करें, कि वहाँ पे क्या है सब एक साथ बन जाता है, तो कभी लाइट कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। या तो ये वाली, तो मैं यहाँ तो मैं बना रही हूँ हलवा पूरी, तो पता नहीं लाइट कम ज़्यादा हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो चक्कर है। यहाँ रख के शायद ठीक से आएगी। ये सारवी को बहुत पसंद है हलवा, तो और इंदर को भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, देखेंगे कि ज़्यादा है तो खा लेंगे। नर्सरी का जो था जो व्लॉग था वो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी डिले हो चुका है, प्रतापगढ़ का भी मैं बहुत जल्दी रिकवर कर लिया है मैंने उसका डाटा सारा, तो प्रतापगढ़ का जो सेकंड पार्ट था वो भी मैं बहुत जल्दी डालूँगी, उससे पहले मेरा होली का व्लॉग जो है वो आएगा, तो प्रतापगढ़ का भी आएगा बट उसको मैं नेक्स्ट वीक डालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वो लैपटॉप में पूरा डाल दिया है, इसमें डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है आईफोन में, तो इस चलते थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। बस अब मैं पूरियाँ बना देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो सारवी जो है पूजा कर रही है, आज सारवी पूजा करेगी। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या पीस है इसमें, कौन से लेने बताओ, इसमें क्या पीस है, 10 पीस है, कौन सा कलर पीस है इसमें, रेट नहीं लिखा, मैं 10 रुपये का ले लेता हूं, ये बहुत वाला है। देख लो ठीक है ये ये सामान लिखा एक पट्टा का ना पट्टा का करके उसके पीछे सपोर्ट ना है यार ना हुआ ना उसके पट्टा का लगाया पीछे खड़ा हूँ थर्मा पड़ा बढ़िया मजबूत था वो साले बच्चे भी जूझ आ रहा है तीन दिन तो यूज़ करने तय कर वो बाद में कौन दुनिया कर दो चले मैं एक टेबल लाऊंगा अरे ये और देखना है ये लो आप लोग बंद करो तो ये और है इधर आए थे काटर बोली का सर आप टिकन सेट रहो कौन से ले रहे सफेद वाली पुलिस वालों का तेरा चला नहीं तो ऊटर ऊटर सब बंद ना 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 नंबर प्लेट सर्च कर ओए मोनू अब देख अब चला अब आ आप बजूका ले लो बजूका इंडिया
एक तरफ पे हो सके ये वाली हां ये पंप है ये तो रखी है हमारे पास इसमें कलर कौन से वाले अच्छे हैं कलर सारे बढ़िया होंगे सर या वो सिल्वर गोल्डन सिल्वर ब्लैक चाहिए ग्रीन वो तो नहीं वही चाहिए ना कलर वाले हर्बल वाले हाँ। ये ले लीजिए एक नंबर का मुर्गा का ब्रांड का ये कौन सा हो गया ये तो ग्रीन वाला हो गया ये मैम गुलाल है गुलाल चाहिए गुलाल मिल जाएगा ये वाला दिखाना भैया रेनबो फॉग वाला ये मैम हाँ ये नहीं नहीं ये नहीं वो ये वाला ये तो बंद है बंद है अब हम भगवान जी को भी कड़ा लगाते हैं सारवी आप लगाओगे पहले हाँ पहले मैं लगा दी हैप्पी होली कहे हैप्पी होली लग चुका है जो कि मेरी फ्रेंड्स जो हैं आसपास की उन्होंने लगा दिया मैं सोची थी थोड़ी देर में जाऊंगी लेकिन अब जो है अब जाना पड़ेगा पहले फटाफट से इनको ब्रेकफास्ट कराती हूँ आरोहन तो खा रहा है नहीं आज क्या है आज क्या है बेटू आज क्या है बताओ आज क्या है ये क्या होता है फास्ट है किसका होली है आज आज सारवी मुझे ये देख के ना थोड़ा सा अलग सा लग रहा है इसे ये मेरे पास नहीं आ रही है हैप्पी होली तो बोल दो सबको ये लो पकोड़े ये आपका आपका मतलब आपका भी ये हम लोग खा रहे हैं पकोड़े मैं तो अपने टोस्ट देखो आओ सारवी कलर तो लगवा लो हाँ बोली मेरा बच्चा इधर दिखाओ फिर अरे ऐसे कैसे नहीं गिरेगा हैप्पी होली चलो मैंने सारे कपड़े इसलिए अंदर डाल दिए ताकि खराब ना कर दे लो आरोहन हैप्पी होली ज़्यादा मत करना बच्चे के ऊपर तो आरोहन की पिचकारी और मेरी पिचकारी देखो ये मैंगो कलर की है मैंगो बेटा मुझे थोड़े मारना है बाहर मार रहे हैं इतनी देर होगी निकली नहीं लो जाए
अंदर आ गए हैं और अब मोनू भैया का फ़ोन आया है कि उनको मतलब होली खेलनी है। सही बात है कि हमारा भी मन नहीं लग रहा था, मेरा भी नहीं लगा। बच्चों को तो चलो बच्चों में वो हो जाते हैं, बच्चे मिक्स हो जाते हैं, बट फैमिली तो फैमिली ही होती है ना, तो इसलिए फिर अब क्या है, बच्चे नहा लिए, कपड़े भी मेरे धुल गए। हगी करो, चलो हगी करो, हैप्पी होली बोलो, हैप्पी होली। चुके हैं और बहुत ही मतलब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। एक्चुअली कल हम पूरा बहुत ज़्यादा थक चुके थे और घर में आने के बाद बिल्कुल मतलब होश नहीं था हमें, बस सोना था और पूरी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा पेन कर रही है। कल मैं दो बार स्लिप भी हो गई थी वहाँ पर बाहर कीचड़ में, तो मिट्टी में, और बस जैसे तैसे करके घर पहुँचे हैं। घर बाहर से भैया ने खाना मंगवा लिया था और घर में खाना खाने के वहीं से खाना खा के आए थे, तो घर में आके कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं। सो बस, और इतना मतलब मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना मतलब जो होली जिस तरीके से खेलते हैं वो एक्सपीरियंस किया, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया ऐसा होली खेलना। सिर्फ वीडियोस वगैरह में ही देखी है ऐसी होली जो हम लोग खेलते हैं। हम जब छोटे थे ना, तो तब से मुझे होली बहुत ही कम पसंद है। कलर हल्का फुल्का लगा दिया फेस पे बहुत है, और जो ये मतलब जो असली होली जैसे इस वीडियो में आप देखेंगे वो खेलते हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे मतलब ऐसा लगता है कि अच्छा लगता है, दूर से देखने में अच्छा लगता है, जब हमारे पर एक्सपीरियंस होता है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे थोड़ा सा मतलब बचपन से ना कभी हमने देखी नहीं है ऐसी मतलब कीचड़ में खेलना, ये सब चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम किया है, और ये एक्सपीरियंस बिल्कुल ही मतलब कहते हैं ना कि आउट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखें, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट ज़रूर करके मुझे बताना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। मैं थोड़ा बहुत ही शूट किया है, वीडियो नहीं बनाई, मेरी कोई वीडियो नहीं है, बहुत कम वीडियोस आपको मिलेगी यहाँ पर, तो इसके लिए थोड़ा खेद है, क्योंकि मैं थोड़ा सा आप लोगों को पता ही है मैं होली थोड़ा कम खेलना पसंद करती हूँ, मुझे कीचड़ से थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं मतलब मैं खुद फील वो नहीं करती हूँ। मुझे होली खेलना अच्छा लगता है बट ऐसे नहीं, तो बस आजकल के टाइम पे फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, होली का सेलिब्रेशन थोड़ा सा इमोशनल हो गया ये देखकर, थोड़ा सा बुरा भी लगता है यार, हम छोटे अगर मेरे पापा होते तो हमारी लाइफ कितनी अलग होती।
मम्मी मम्मी की लाइफ क्या होती, कितनी डिफरेंट होती, तो ये सब चीज़ें थी, इसीलिए थोड़ा सा वो लगा। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही सब्सक्राइब ज़रूर करो चैनल को। और इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगी, और उसको देखने के लिए आपको मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बटन ऑल्सो, जिससे कि आपको टाइम टाइम पर मेरी वीडियोस मिलती रहे, उसकी नोटिफिकेशन आती रहे और आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मैं दिखाती रहूँ।